रे कटिए और एक येरा घट। उसके लिए भाई दिल से सॉरी है। और भाई व्लॉग क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मेरे को आलस आ रहा था और कुछ नहीं आ रहा था। और भाई इतने दिनों से दिल्ली में हो रही है खतरनाक घूमखार बारिश, 250 करोड़ साल बाद आज बारिश रुकी है, तो थोड़ा मौसम खुल गया और बाहर आ गई है खतरनाक वाली धूप। और अभी आधे घंटे पहले बारिश भी हुई थी जब मैं कैमरा ओपन नहीं कर पाया क्योंकि मेरी क्लास चल रही थी। और भाई अभी अपन ने कैमरा ऑन किया है तो मैं आपको अपनी एंटॉक का कुछ खतरनाक हाल भी दिखा दूँगा। बारिश में उसके ब्रेक शू वगैरह सब खराब हो गए हैं, कोई बात नहीं, नए डल जाएंगे। बट भाई पता है क्या है उसमें दिक्कत, कभी तो बहुत तेज रुकेगी, मतलब एकदम ब्रेक लगेगी, कभी ब्रेक ही नहीं रखते कभी, भाई ब्रेक लग ही नहीं पाते, दिमाग खराब। फिर अब एक बार देखते हैं। और इस पर भी आपने नोटिस किया कि नहीं किए होगे भैया, अब भाई बिहारी बोल रहे हैं तो वाओ। अब भाई मैं पता उड़ाता हूँ तो उससे मेरा हाथ कट गया था, और इस ब्लॉग में शायद मैं पता उड़ाते हुए भी दिखाऊँ, नहीं दिखाया तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट ब्लॉग में दिखा देंगे। चलो चलते हैं सीधा नीचे और आपको दिखाता हूँ मैं अपनी स्कूटी की हालत जो हो रही है इस टाइम को। जल्दी से मास्क स्टाइल में पहन ले। चलो ऐप चलते सीधा नीचे और लाइट्स वगैरह कर देता हूँ बंद। ओ वाओ, अब बाहर चलते हैं और बाहर आ गए फिर से अपने आप रोशनी और खतरनाक धूप। चलते हैं बाहर और ये देखो भाई क्या ही खतरनाक धूप निकली है आज। ये नहीं चलते हैं सीधे नीचे। ओ भाई मेरी गुची वाली चप्पल्स नहीं पहनी, अभी पहन लेता हूँ। चलो मैं आया फाइनल नीचे और मेरे पीछे खड़ी है। हेलो बेबी। अब भाई देखो, हाँ वो दो चाबी वाले चक्कर बताने था ना आपको, ये जो एक ये वाली चाबी है ये तो अपनी डिग्गी भी और पेट्रोल भी यूँ करते तो डिग्गी ओपन हो जाती है। फिर ये रखा इसको हम ऐसे बाहर निकालेंगे, इसको साफ करेंगे। और भाई और जो ये वाली चाबी है न्यू वाली, ये लगती है अपने हैंडल में, मतलब हैंडल कह रहा हूँ ये वाले लॉक में ओपन। और सो और ये वाले चेंज इस वजह से हुआ क्योंकि ये वाला जो लॉक है मतलब डिग्गी वाला, ये कंपनी से है, ये वाला बाहर से लगवाया क्योंकि मेरा ये वाला लॉक हो गया था खराब, इस वजह से लगवाना पड़ा मेरे को बाहर से। वो वाला मैंने चेंज नहीं करा क्योंकि चल रहा। और भाई अब कर देते स्टार्ट, मुझे नहीं लगता कि ये स्टार्ट, क्योंकि भाई कैमरा टेढ़ा हो रहा है। अब ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसको वाओ हो गई हो गई हो गई। चलो चलते हैं बाहर सीधा। भाई लोग अपन लोग निकल गए हैं बाहर और यहाँ बिक रहे छोले भटूरे कोयली। चलो चलते हैं बाहर। और भाई अच्छी खासी भीड़ है, भीड़ तो खैर अब होने लगी है, सब कुछ मिल गया है। और मास्क बहुत कम बंदों का है, रिक्शे वाले भैया बढ़िया भैया कह रहे हैं ओके रिपोर्ट, एकदम कोई टेंशन नहीं है, धूप निकल रही है, मज़ा आ रहा है। देखो सामने देखो ऐसी हालत है कुछ, इतनी भीड़। ओहो गाड़ी वाले भैया देख के जरा, देख के वाओ, बिना मास्क के लोग, चलान काटो इनका चलान। सिलेंडर वाले भैया इनसे भी मजे लेंगे। भैया बढ़िया सब। 2000 years later भाई लोग अपन लोग आ गए हैं वापसी घर और इस पर लगा देंगे स्टैंड पर। स्टैंड दिखाओ थोड़ा, इसका स्टैंड भी टेढ़ा सा हो गया, फिर भी चल लगाते स्टैंड पर, आप जा सकते हो पीछे। कैमरा का ना हमारे बड़े सही लगा दो भाई। हाँ अब हम कैमरा ले लेते हैं अपने हाथ में और आपको दिखाते हैं जो उसकी मैं आपको बता रहा था ना लीवर में ब्रेक की दिक्कत आ रही है पीछे वाले। ये देखो भाई ये होता है तो इतना ये आगे ऐसे आ रहा है इतना और ये पीछे जा रहा है वापस, और जबकि इसका लॉक भी अभी खुला है। अब पता नहीं मेरे को कि कैमरे में जज हो पा रहा हुआ या नहीं, बट ये देखो यहाँ से भी देख लो एक बार, ये इतना होना चाहिए इतना, अरे फिर भी से आ रहा है। अब कुछ नहीं कर सकते हम इसके अंदर। और बाकी देखो
एकदम ब्रेक भी नहीं लग रहा भाई, यही तो बात है। कैमरा मैन साहब को फिर से कैमरा पकड़ाना पड़ेगा। चलो पकड़ा दे, इधर आयो। अरे सर सुनते ही नहीं, देखो भाई जैसे अपन ने घुमाया टायर दिखाना सर, टायर आ गया है और भाई आपको वीडियो बनाते बनाते अच्छा हुआ मैंने आज ब्लॉग शूट किया। ऊपर वाला भी यही चाहता था कि आज मैं ब्लॉग शूट करूँ, मेरे को कुछ खतरनाक मतलब खतरनाक क्या भाई टेंशन भरी चीज, मेरे को पीछे वाला टायर चेंज कराना पड़ेगा। दिखाता हूँ, देखो ये देखो भाई ये देखो ये रहा कट, दिख रहा है कट ये, और एक ये रहा कट भाई साहब। अभी तो पता नहीं इसमें कितने ही कट होंगे, ये तो चेक कराना पड़ेगा। चेक करा कर भी कुछ नहीं, मैं डायल लगवाना शायद घिस ही गया। हाँ थोड़ा बहुत बचो भाई, इधर भी कट है। गॉड ब्लेस मचाई, कोई बात नहीं मैं डायल लगवा लेंगे और आगे वाला टायर तो ओके देखो। बट भाई जब टायर पीछे वाला चेंज कराऊंगा तो आगे वाला भी चेंज कराना ही पड़ेगा। और मेरे को बड़ी देर से सामने वाले अंकल घूर कर देखे जा रहे हैं, जैसे मैंने किसी के पैसे चुरा लिए हो, ये ऐसे देख रहे हैं यू क्या कर रहा है वे तू। चलो भाई अब चलते हैं ऊपर और देखते हैं ब्लॉग को कंटिन्यू करना है कि नहीं, बाकी वैसे भी कंटिन्यू करना है, ये भी दिखाया गया मैंने आप। चलो चलते हैं ऊपर। फाइनली मैं आ गया हूँ घर पर और पीछे चला था उसको इग्नोर कर देना। और अभी चल रहा है मेरा खाना पीना और आज बनी है मेरी फेवरेट पनीर की भुर्जी। वाह आ जाओ खा लो आप भी। और ये मेरा ट्राइपॉड काफ़ी साइड, जल्दी से मैं खाता हूँ टेस्ट करता हूँ, फिर देखता हूँ कि मेरी मम्मा वैसे सारी चीज़ें बनाती हैं बहुत अच्छी हैं, बट एक बार खा कर आपको भी बताता हूँ मैं वीडियो को। चलो फाइनली मेरा खाना पीना हो गया डन और अभी मेरा बिल्कुल मन नहीं था कि मैं आपको पतंगे करने बांध कर दिखाऊं। और अभी चल आपको मैं दिखाई देता हूं जल्दी से पतंगे करने बांध कर, बाकी सब नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगा। चलो बाय बाय। ये रही अपनी पतंग, इसमें करते हैं होल। देखो भाई मैं बोला था पहले होल करने कैसे, एक तो है देखो ये वाली दिल्ली है इसके इधर ऐसे और एक इसके इधर, ठीक है। उसके बाद थोड़ा ऐसे कर लिया, फिर हम करते हैं यहाँ पर ये करने के बाद बहुत ही ज्यादा सिंपल ये पकड़ो मान्या। और भाई हाँ आप लोग सदी से बांधना मैं मान्य से बांध दो क्योंकि मेरे को मान्य से बांधने की आदत है। इतना बनने ले लिया और मैं बांध दू सिंगल, इतना ले लिया मान्या फिर क्यों पकड़ा और जू पकड़ी पतंग, इधर से डाला इधर निकाला, फिर इधर से हमने होल ऐसे कर, फिर इधर से हमने बांध ली कट नॉट, येलो वन येलो टू टू गाट में हो जाता है ओके एकदम। अब इधर बांध लेते हैं ये इधर, ठीक है। फिर हम ले लेते हैं इधर, उसके बाद बांध लेते हैं अपन इधर काट ऐसे करके दो आठ। उसके बाद सबसे मेन यहाँ तक तो हर कोई बांध देता है ये, इसको देखो भाई अगर आपको खींच वींच मारनी है तो आप सेंटर से हल्का सा पीछे, ठीक है। और अगर आपको नॉर्मल उड़ानी है तो आप बिल्कुल सेंटर में रख सकते हो ओके। इसको कर लेते हैं यू ऐसे ऐसे फिर ऐसे, ठीक है। फिर सबसे मेन इधर की तरफ से यूं करते हैं इसका तिल्ला मोड़ते हैं, सबसे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है मेरे को, मैंने बहुत सारे तिल्ले तोड़े हैं। ओहो बस जैसे ही हल्का से ऐसे हो जाए थोड़ा फिर आपकी पतंग हो जाती रेडी। और सिर्फ इस वाले व्लॉग में पतंग के लिए इतना ही दिखाऊंगा, ये रहा अपना मांझा, ये रही अपनी पतंग।
और अब इस व्लॉग को कर देते हैं यहीं पर ही एंड। आई होप अगर आपको व्लॉग में सब कुछ अच्छा लग गया हो तो आपको पता ही करना है क्या, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और भाई अगर आपको कुछ बहुत अच्छा लगा हो, मतलब लगाओ जो मर्जी लगाओ, उसको कर देना आप नीचे कमेंट। ओके, मिलते हैं आपसे इससे और अच्छी और अच्छी और अच्छी वीडियो में। कल भी मैं डेफिनेटली वीडियो अपलोड करूंगा। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।